देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज भी और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। देखो हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे थे और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने देखो कितनी तरह से रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो सकता है वो देखा था। ये देखो टोटल 4 टाइप्स होता है यहाँ पर। ये देखो एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेसिंग ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। तो आज हम लोग ये लास्ट यही वाला बाकी है, ये वाला करेंगे कन्वर्जन इनटू शेयर, ठीक है? तो इस पे हेडिंग कर लेते हैं रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडेम्पशन बाई कन्वर्शन, ठीक है? अच्छा रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब हम लोग डिबेंचर यानी कि जो लोन होता है उसे हम लोग रीपे कर रहे हैं तो कन्वर्जन के थ्रू से, मतलब पैसा नहीं दे रहे, ठीक है? पैसा नहीं दे रहे उसके बदले हम लोग क्या दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को शेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? दैट इज रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन होता है, ठीक है? तो इसके लिए पहले लिखो इट मीन्स गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग मैम। इट मीन्स रिडीमिंग, बस यहां से ही लिख रहे हैं, ठीक है? इट मीन्स रिडीमिंग द डिवेंचर्स बाई कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स, ठीक है? जो मैंने अभी फर्स्ट लाइन वही बोला कि इस तरह का रिडेम्पशन में क्या होता है, डिबेंचर को हम लोग शेयर में कन्वर्ट करें, मतलब डिबेंचर होल्डर को शेयर दे रहे हैं, ठीक है? और उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी से हम लोगों ने 100 रुपए का डिबेंचर किसी को इशू किया है, मतलब किसी से अगर 100 रुपए उधार लिया है, तो अब उसको रिडेम्पशन कैसे करेंगे वो पहले से ही बात हो जाता है, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन टाइम पे अचानक से कन्वर्जन कर देते, नहीं। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तभी ये चीज एप्लीकेबल होता है, ठीक है? और कन्वर्टेबल है कि नहीं है, मतलब टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो होता है वो तो इशू के टाइम पे डिफाइन करना पड़ता है हम लोगों को कि कैसे टाइप का डिवेंचर होगा। तो अगर कन्वर्जन का बात है तो वो पहले से ही बताया जाता है कि ये कन्वर्ट होगा आगे जाके, तो उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर होल्डर को कैसा जो है शेयर दे सकते हैं, पार वैल्यू का शेयर दे सकते हैं, प्रीमियम का दे सकते हैं, ठीक है? बट डिस्काउंट में नहीं करेंगे, ठीक है? डिस्काउंट वाला जो शेयर होता है वो हम लोग इनको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि डिस्काउंट का शेयर जो होता है वो हम लोग अपने इम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है? लॉ के हिसाब से यही है, तुम लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा और मैंने भी जब तुम लोग को क्या बोलते हैं उसे, जब डिवेंचर का ये सब पढ़ाया था ना, मतलब लाइक डिवेंचर बोल रहे हैं, हाँ डिबेंचर ही शायद, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब जब हम लोगों ने किया था ना तब वहां पर देखा था कि स्वेट इक्विटी शेयर इंप्लॉय को दिया जाता है, ठीक है? जो कि डिस्काउंटेड शेयर होता है। तो शेयर हम लोग पार या प्रीमियम वाला ही दे सकते हैं डिबेंचर होल्डर को, कन्वर्जन पे डिस्काउंट वाला हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट, ए स्कीम फॉर सच रिडेम्पशन मे बी ऑफर्ड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड दोज हू डू नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट द सेम मे बी
गिवन कैश, ठीक है। ये क्या लिखा है देखो, ए स्कीम फॉर सच रिडेम्पशन, मतलब वही स्कीम, मतलब कैसे रिडीम होगा वो पहले ही बताना पड़ता है। तो स्कीम फॉर सच रिडेम्पशन मे बी ऑफर टू डिवेंचर होल्डर, ये ऑफर किया जाता है, ठीक है, एंड दोस हु डू नॉट एक्सेप्ट, और जो ये एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब ये ना कोई कंपल्सरी नहीं होता है। जैसे इशू के टाइम पे बता दिया जाता है कि कन्वर्जन करेंगे हम लोग, 80% कन्वर्जन करेंगे। अब कन्वर्जन के टाइम पे अगर कोई बोल रहा है कि मुझे कन्वर्जन नहीं करवाना है, तो नहीं भी करवा सकता है, वो पैसा भी ले सकता है, मतलब उसे उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनना है, उसे उसका पैसा वापस चाहिए, तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही बोल रहा है, मे बी ऑफर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को कन्वर्जन का ऑफर दिया जाएगा, एंड दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द सेम, अगर किसी को वो ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं है तो उनको कैश मिल जाएगा। एक्चुअली कन्वर्जन बहुत तरीके से होता है, फुल्ली कन्वर्टेबल भी होता है, पार्टली कन्वर्टेबल भी होता है, ठीक है। तो अब एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, इसका भी ऑप्शन रह सकता है कि अगर कोई डिवेंचर होल्डर चाहे तो ये ऑप्शन एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना भी करे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री क्या क्या होता है। सबसे पहले होगा ड्यू एंट्री, ठीक है। ड्यू एंट्री का मतलब है जब हम लोगों को डिवेंचर होल्डर को पे करना है। देखो अब पे करने का मोड चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये चार में से कुछ भी हो, ड्यू तो करना पड़ेगा कि मुझे डिवेंचर होल्डर को पे करना है। तो डिवेंचर होल्डर को जब हम लोग पे करेंगे तो उसके लिए पहले ड्यू एंट्री करेंगे। तो ड्यू एंट्री करने से क्या होगा, मेरा जो लोन बैलेंस शीट में दिख रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज मतलब जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है। और अगर हम लोग प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो उसमें एक लॉस होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, हम लोग डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। अच्छा, इसके बाद कौन सा एंट्री होगा, इसके बाद एंट्री हो जाएगा सेकेंड एंट्री कन्वर्जन का, ठीक है, कन्वर्जन का एंट्री। अब कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है, या तो पार वैल्यू का शेयर इशू करके या फिर प्रीमियम वैल्यू का, ठीक है। अगर पार वैल्यू का शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर को अगर पैसा देते तो क्या एंट्री करते, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं दे रहे शेयर दे रहे, तो क्या एंट्री होगा, ऐसा हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर प्रीमियम वाला शेयर दे रहे हैं, ये भी हो सकता है, यहां पर दिखा देते हैं, कन्वर्जन एंट्री अगर हम लोग प्रीमियम वाला शेयर दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, तो भी डिवेंचर होल्डर तो डेबिट होगा ही, इनको पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और पे क्या कर रहे हैं, मतलब इनको दे क्या रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। अब कैसा शेयर दे रहे हैं, जो प्रीमियम वाला है, तो एंट्री क्या होगा, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे शेयर इशू करने से एंट्री होता है बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पैसा तो नहीं आ रहा है, लोन के साथ ये सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये बस इतना ही हमें पता करना है, ये एंट्री के साथ ही हम लोग आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एंट्री हम लोग पहले भी किए हैं बाकी मेथड के साथ। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन। गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, अब ये कन्वर्जन जो हम लोगों ने देखा, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन, क्या बोला है, एक कंपनी हैड इश्यू 20,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001।
फर्स्ट अप्रैल 2001 में कंपनी ने नंबर ऑफ, ये 2000 क्या है, नंबर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई रुपीस का साइन नहीं है, तो नंबर ऑफ इतने सारे डिवेंचर इशू किया था, एक एक डिवेंचर 100 रुपीस वाला था, मतलब पर वैल्यू पे डिवेंचर इशू हुआ था जिसका इंटरेस्ट था 13% करके. द डिवेंचर आर ड्यू फॉर द रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई 2002. अच्छा, जो डिवेंचर 1 अप्रैल 2001 को इशू किया गया था उसको रिडेम्पशन करना है 1 जुलाई 2002 में, ठीक है, ये पहले डिसाइड हो जाता है. द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड, जब इशू हुआ था तब जो टर्म्स कंडीशन था, मैंने बोला टर्म्स कंडीशन पहले ही बता दिया जाता है, तब टर्म्स कंडीशन क्या बोल रहा है, दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. बोल रहे जब रिडेम्पशन होगा 5% प्रीमियम पे होगा, मतलब एक डिवेंचर 100 रुपए का है, अगर किसी को उसका एक डिवेंचर का पैसा लौटाना है तो एक्चुअली उसे 105 रुपीज हमें देना पड़ेगा, ठीक है. अब रुपीज होगा कि कन्वर्जन होगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेकिन बात इतना है कि प्रीमियम पे रिडीम होगा, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 5% प्रीमियम. एंड ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू डिवेंचर, टू द डिवेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इन टू इक्विटी शेयर, और उनके पास एक ऑप्शन भी रहेगा, मतलब ऑप्शनल है कन्वर्जन, करवाना है कि नहीं करवाना है, अगर करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन क्या है, बोल रहा है कि डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर जो भी रहेगा उसका 20% उनके होल्डिंग का इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू ₹10, जिस इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू रहेगा 10 एट अ प्राइस ऑफ 15 पर शेयर, और जिसका मार्केट प्राइस चलेगा ₹15, ठीक है. तो इसका मतलब 20% कन्वर्ट करवाने का मतलब है किसी के पास अगर 100 डिवेंचर है तो वो 20 कन्वर्ट करवा पाएंगे, 80 का पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है. मतलब अगर रिडीम हो रहा है तो ऑब्वियसली पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अगर रिडीम हो रहा है तो 100 डिवेंचर, मान लो 100 रुपए का डिवेंचर, एक डिवेंचर, ठीक है, 100 रुपए का एक डिवेंचर किसी ने लिया है, कंपनी का डिवेंचर होल्डर बना है, या फिर कंपनी ने एक डिवेंचर अगर किसी को इश्यू किया है 100 रुपए वाला, तो एक का मतलब एक का तो वैसे कन्वर्जन कैसे दिखा है, ठीक है, मतलब 20% कन्वर्ट कर सकता है, 80% नहीं कर सकता है. अब हम लोग मान लेते हैं इसे 100 रुपए के जगह 100 रुपए वाला, मान लो किसी के पास 5 डिवेंचर है, तो 500 डिवेंचर, 500 का 20% मतलब कितना हो जाएगा, 500 का 20% मतलब 100, ठीक है, और ये हो गया 400, तो 100 डिवेंचर कन्वर्ट करवा पाएगा, 400 डिवेंचर में फिर पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है. अब कन्वर्जन कैसे होगा, एक शेयर का वैल्यू ₹15 है, इस बेसिस पे कन्वर्जन होगा, मतलब अगर किसी को ₹15 देना है तो उसे हम लोग एक शेयर दे सकते हैं, ये कंसेप्ट हुआ, ठीक है. अब देखेंगे कि कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, देखते हैं. डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 डिवेंचर Did not exercise the option. बोल रहा है कि 2500 डिवेंचर जिनके पास है, मतलब जितने भी, अब एक एक के पास है, दो के पास है, जितने लोगों के पास भी है, 2500 डिवेंचर का कोई कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि ये कन्वर्जन वाला ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे 2500 डिवेंचर होल्डर, ठीक है. तो 2500 डिवेंचर पे कन्वर्जन नहीं होगा, बाकी पे होगा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम. मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि कितने सारे इक्विटी शेयर्स अलॉट करना पड़ेगा जिनको हम लोग डिवेंचर के बदले इक्विटी शेयर्स देंगे, या फिर जो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको हमें कितने सारे डिवेंचर्स जो है, सॉरी इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में, बस ये पूछा है, कोई जर्नल एंट्री वगैरह नहीं पूछा है. तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ड्रॉ करके कि क्वेश्चन बोला क्या है. सबसे पहले इशू हुआ है डिवेंचर का 1 अप्रैल 2001, इशू 20,000 डिवेंचर, 20,000 13% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 करके, ठीक है, और रिडेम्पशन कब होगा, 1 जुलाई 2002. तो यहाँ पर डेट लगाते हैं 1 जुलाई 2002, ये कौन सा डेट है, ये है रिडेम्पशन का डेट. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है. तो रिडेम्पशन कैसे होगा, रिडेम्पशन हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम. इसका मतलब कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज तो लौटाना ही है क्योंकि एक एक जन से 100 रुपीज ले रहे हैं, और उसके साथ और भी 5% एक्स्ट्रा, यानी कि 105.
इतना हमें रिटर्न करना पड़ेगा एक डिवेंचर के बदले। और ऑप्शन भी है कन्वर्जन का, 20% कन्वर्जन हो जाएगा जिसका जितना भी होल्डिंग है, ठीक है, कन्वर्जन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जन भी हो सकता है 20% ऑफ होल्डिंग। अब होल्डिंग जिसका जितना है, ठीक है, एक जन के पास 10 डिवेंचर है, 15 है, 20 है, जो भी है, उसके बेसिस पे 20% कन्वर्जन करवा सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्जन पे क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर, कन्वर्जन पे मिलेगा इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज वाला विथ नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, विथ नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज। अच्छा, 2500 लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन, तो जब रिडेम्पशन हुआ तो 2500 डिवेंचर होल्डर नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। इन्होंने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट करने बोला है कि कितने सारे इक्विटी शेयर जो है मतलब अलॉट करने पड़ेंगे कन्वर्जन के केस में। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर के लिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड। अच्छा, कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले कितना शेयर अलॉट करेंगे ये निकालना है, तो अलॉटमेंट उन्हीं को मिलेगा जो ये कन्वर्जन का ऑप्शन ले रहे हैं, तो जो नहीं ले रहे उनको नहीं मिलेगा। तो पहले ये पता कर लेते हैं कितने डिवेंचर होल्डर, मतलब कितने डिवेंचर का हमें कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स इक्वल टू 20,000, लेस कर देते हैं डिवेंचर होल्डर नॉट एक्सरसाइज फॉर कन्वर्जन। Not exercise the option for conversion, या फिर not opt लिख देते। कितने ऐसे हैं जो कि conversion नहीं करवाना चाहते, ये 2500 debenture holders, ठीक है, 2500 debenture का conversion नहीं होगा, तो कितने debenture का conversion होगा minus करने से पता चलेगा, 17,500। तो यहाँ पर लिखते हैं debenture holders opted for conversion, इतने सारे conversions होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इतने सारे डिवेंचर का कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन बात यह है कि होल कन्वर्जन तो है नहीं, कि 17,500 का 17,500 ही कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन होगा 20% ऑफ होल्डिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड इक्वल टू 20% ऑफ होल्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो 20% ऑफ होल्डिंग, तो टोटल तो होल्डिंग इतने सारे डिवेंचर का था, बट इतने लोग तो बोल रहे हैं हमें ये ऑप्शन चाहिए ही नहीं, तो इतने लोगों पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन फुल्ली कन्वर्जन है नहीं कि ये पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा। 17,500 जो टोटल डिवेंचर होल्डर का कन्वर्जन निकल के आया, उसमें से 20% ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है स्कीम में लिखा हुआ है। तो देखो कितना होता है, $3,500, ठीक है, इतने सारे डिवेंचर का कन्वर्जन होगा। अच्छा, अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग को पूछा है कि कितने सारे इक्विटी शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, तो 3,500 डिवेंचर का कन्वर्जन होगा। अब हम लोग इसका रिडेम्पशन वैल्यू निकालेंगे, रिडेम्पशन
वैल्यू ऑफ 3,500 डिवेंचर इक्वल टू 3,500 डिवेंचर इंटू 105 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग ये निकाल रहे हैं कि एक्चुअली जिनको हम लोग डिवेंचर रिडीम करें, जितने सारे डिवेंचर होल्डर पे डिवेंचर रिडीम हो रहा है उनको एक्चुअली वैल्यू के हिसाब से देखें तो उन्हें कितना देना चाहिए हमें। 367,500 अगर ये कन्वर्जन नहीं होता तो हम लोगों को इतना रुपीस पे करना पड़ता। ठीक है, इतने रुपीस पे करने पड़ते। अब इसके जगह हम लोग शेयर दे देंगे। ठीक है, अब एक शेयर 15 रुपए का है, सोच के देखो, एक शेयर है 15 रुपए का, मतलब अगर किसी को 15 रुपए मिलेगा तो कंपनी उसे एक शेयर पकड़ा देगी। तो अगर कंपनी को 1 रुपया किसी को देना है तो 1/15 शेयर जो है वो दे देगी। अगर कंपनी को किसी को 367,500 देना है तो कंपनी कितने सारे शेयर्स जो है इशू करेगी, नंबर ऑफ शेयर इस तरीके से निकल जाएगा। अभी यही वाला हम यहाँ पर करेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इक्वल टू 367,500 डिवाइडेड बाई रुपीज 15। ठीक है, तो कंपनी को कन्वर्जन पे इतने सारे शेयर्स जो है इशू करने पड़ेंगे, इतने सारे इक्विटी शेयर्स 24,500, और उसमें कितना सारा डिवेंचर रिडीम हो जाएगा, 3,500 डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों को कैसा देना है वो तो हमें कुछ बोला नहीं कि करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन का आंसर हमें इस तरीके से निकालना है। पहले ये देखना है कि जितने डिवेंचर होल्डर है क्या सभी ने ऑप्शन लिया है, अगर नहीं लिया है तो हटा देंगे जितने लोगों ने कन्वर्जन के लिए हाँ बोला है, और अगर फुल्ली कन्वर्जन है तो फिर इसका 20% नहीं करना पड़ता। बोला है जो भी होल्डिंग रहेगा उसका 20% ही कन्वर्ट होगा, तो जितना भी होल्डिंग है उसका 20% कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक एक जन के पास जितना है वो अपने अपने इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, बट कंपनी थोड़ी ना एक एक शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट करेगी कि मुझे इसको कितना शेयर देना है, उसको कितना शेयर देना है। वो भी करेगी एक्चुअली, एक एक शेयर होल्डर को कितना देना है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेगा। हम लोग को ये देखना है एज ए कंपनी कि टोटल कितने सारे कन्वर्जन हो, कितने सारे डिवेंचर कन्वर्ट होने वाले, 17,500 का 20%, 3,500। अब कैसे निकालेंगे कितना शेयर इशू करना है, इनको अगर पैसा देना पड़ता तो इतना देना पड़ता, अब इसके बदले शेयर दे रहे हैं, एक एक शेयर का वैल्यू 15 रुपीज है, तो 15 रुपीज अगर किसी को मिलेगा तो एक शेयर देना है, तो इतना रुपीज देने के लिए कितने सारे शेयर देने, डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा यूनिटरी मेथड, 24,500 हो गया। पहला वाला क्वेश्चन बस इतना ही पूछा था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, लिब्रा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, लिब्रा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो लिस्टेड कंपनी है और उनका कुछ उन्होंने पब्लिक इशू किया और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड, पार्टली कन्वर्टेबल मतलब डिवेंचर पूरा कन्वर्टेबल नहीं होगा, उन्होंने 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किया है जो कि पार्टली कन्वर्टेबल है। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस 100 पर डिवेंचर, फेस वैल्यू भी 100 है, पर वैल्यू भी 100 है, सॉरी इशू प्राइस भी 100 है, मतलब पर वैल्यू पे इशू हुआ है। ठीक है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, मतलब जितना भी किसी के पास होल्डिंग होगा उसका 60% कन्वर्ट होगा, 40% नहीं होगा। डेट ऑफ कन्वर्जन भी बता दिया है, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, जब इशू क्लोज हो जाएगा उसके 6 मंथ्स बाद कन्वर्जन होगा। यहाँ डेट नहीं बोला है, हम लोग को डेट खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन दे दिया है 1/5/2001, डेट ऑफ अलॉटमेंट दे दिया है 1/6/2001, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया है 15%, पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद से इंटरेस्ट देना स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60, फेस वैल्यू 10। बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर कन्वर्जन के बदले दिया जाएगा, मतलब डिवेंचर को जो इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे उस एक एक शेयर्स का वैल्यू है 60 रुपीज, मतलब प्रीमियम में इशू हो रहा है, इसका फेस वैल्यू 10 है। अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा 2%। अब ये नया चीज क्या है, जिन्होंने अंडरराइटिंग किया है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं किया हम थोड़ा सा बताते हैं।
अंडरराइटर एक ब्रोकर होता है, ठीक है, मतलब कमीशन एजेंट की तरह होता है, जो कंपनी का सारा शेयर्स या डिबेंचर बिकवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जैसे कंपनी ने इतने सारे डिबेंचर इशू किया, अब ये मार्केट में बिके या ना बिके, अगर नहीं भी बिकता है तो ये लोग खरीद लेंगे, इनके पास इतना पैसा होता है, ठीक है। ये इतने ज्यादा सॉल्वेंट होते हैं कि ये गारंटी लेते हैं कि हम लोग तो पहले कोशिश करेंगे मार्केट में बिकवाने का, पब्लिक के पास अगर नहीं होगा तो हम लोग खरीद लेंगे। तो इसके बदले ये क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। कमीशन कितना देना पड़ेगा इनको, 2%, मतलब कंपनी का ये खर्चा है, कमीशन देना पड़ रहा है 2%। अब 2% कमीशन किस पे देना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ इशू पे ही देना पड़ता है। जैसे कि देखो 2 लाख में अगर पब्लिक ले भी लेता है, जैसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000, मतलब पब्लिक ने 1,50,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, 50,000 मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, 50,000 सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ, लेकिन अंडर राइटर ये खुद ले लेंगे, ठीक है। तो कमीशन कैसे मिलेगा, देखो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने के पहले अंडर राइटर गारंटी ले लेते हैं, हम 100% शेयर खरीद लेंगे या डिबेंचर खरीद लेंगे, इस केस में डिबेंचर, अगर आपका शेयर या डिबेंचर मार्केट में नहीं बिकता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको 100% गारंटी पे ही जो है कमीशन दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50,000 खरीदना पड़ेगा तो 50,000 पे कमीशन मिलेगा, क्योंकि वो तो बाद में पता चलता है ना कि कितना बिक गया कितना नहीं बिका। इसीलिए यहाँ पर रूल्स ये है, अंडरराइटर को जो कमीशन मिलता है वो टोटल नंबर ऑफ जितना उन्होंने गारंटी लिया है, मतलब एक्चुअली अंडरराइटर को गारंटी लेना पड़ता है, हाँ हम इतने सारे बिकवा देंगे, तो पूरे उतने पे ही उनका कमीशन मिल जाता है। कमीशन हमेशा मिलता है नॉर्मली जो है इशू प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। डिबेंचर पे इंटरेस्ट जो है वो 2 टाइम्स मिलता है ईयरली, मतलब 6 6 मंथ्स में, 30 सितंबर 31 मार्च। बोल रहा है राइट रेलिवेंट जर्नल इंटरेस्ट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। बोल रहा है हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए, और कैश बैंक वाला भी एंट्री करने बोला, बस इतना ही बोला है। तो ठीक है, हम लोग पहले इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, कब किया है देखते हैं, डेट तो कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है 2 लाख डिवेंचर इशू हुआ जिसका फेस वैल्यू, अच्छा कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%, यहाँ एक डेट दिया, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन 1/5/2001, ठीक है 1/5/2001, ये क्या है क्लोजर, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मतलब इस दिन जो है सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, यही लास्ट डेट है, उसके बाद अलॉटमेंट होगा 1/6/2001 तक, 1/6/2001 ये है अलॉटमेंट। इसके बाद यहाँ पर 1 जून हो गया, इसके बाद बोल रहा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये तो फिर बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, यहाँ पर एक डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया जाएगा, अच्छा तो ये है जून, जून के बाद 30 सितंबर, ठीक है ये लिख देते हैं इंटरेस्ट का डेट, ठीक है। इंटरेस्ट कितना करके होगा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर कितना है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा 15%, ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एन, ये इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन बोला था, देखो कन्वर्जन कब होगा बोला था, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू, इशू क्लोज होने के 6 मंथ्स बाद जो है कन्वर्जन होगा, तो 6 मंथ बाद कौन सा डेट आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन ये डेट दिया हुआ है, ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, यही तो क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन यानी क्लोजिंग ऑफ इशू, एक ही तो बात है ना। अब देखते हैं कि कन्वर्जन 6 मंथ्स बाद होगा, 6 मंथ्स बाद कौन सा डेट आ रहा है, तो यहाँ से लेके 6 मंथ्स काउंट करेंगे, ये मई है, मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि 1/11 1/11/2001 इस दिन होगा कन्वर्जन, ठीक है, और कन्वर्जन कितना होगा 60%, 60% ऑफ
होल्डिंग बोल सकते हैं, एक ही बात है, होल्डिंग लिखा है नहीं लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60% का मतलब डिवेंचर होल्डर समझ जाएगा कि मेरे पास अगर 100 डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो 60 कन्वर्ट होगा, 40 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक 31 मार्च को भी जो है इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 31 मार्च, 31 मार्च टू थाउजेंड टू आ जाएगा। इसके बाद 31 मार्च आ रहा है तो 2002 आ जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इनका ईयर स्टार्ट कब होता है? इनका ईयर जरूर स्टार्ट होता होगा 1 अप्रैल 2001। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला है, हम लोग को जर्नल एंट्री करने बोला। चलो, हम मैंने तो एक बार पूरा क्वेश्चन लिख ही लिया, अब हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री करते हैं। इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड, अच्छा, हम लोग सबसे पहले एंट्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग को एंट्री स्टार्ट करना चाहिए जिस दिन जो है इशू हुआ है, बट इशू का तो हम लोगों के पास ना कोई डेट नहीं है। इशू क्लोज जब हुआ है तब का डेट है, तो हम लोग मान सकते हैं कि इस डेट तक हमें पैसा मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, मतलब एटलीस्ट एप्लीकेशन का पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर अलॉटमेंट होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग 1/5/2001 से ही एंट्री करते हैं। तो ये देखो कितने सारे डिवेंचर इशू हुए हैं, पहले देख लेते हैं। 2 लाख डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो पैसा मिलेगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वन लाख, अच्छा हाँ, यहाँ पर 2 लाख नहीं लिख सकते, 1,50,000 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने 1,50,000 अप्लाइड किया है, 20 था, बाकी 50,000 तो शेयर, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, अंडरराइटर ले रहा है, ठीक है। तो हमें अभी पैसा जो मिल रहा है पब्लिक से, जो पैसा मिल रहा है उसका हमें एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 इंटू 100, मतलब 15 कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। 1,50,00,000 ऐसे होगा, 1,50,00,000 से भी ज्यादा है, नहीं नहीं 1,50,00,000 ही, ठीक है, जितना भी आ रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः जीरो होगा, 1,2,3,4,5,6, हाँ ठीक लिखा है। तो इसमें लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1,50,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच फ्रॉम पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू से हमें मिला है, ठीक है। और बाकी पैसा हम लोग कहाँ से लेंगे? बाकी हम लोग का पूरा ही सब्सक्राइब हो जाएगा और बाकी हम लोग अंडरराइटर से लेंगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट हो रहा है, तो अलॉटमेंट होने से क्या एंट्री होगा? डिवेंचर होल्डर को अलॉट करना पड़ेगा डिवेंचर, तो 1,6,2001, तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वन 1,50,000 और 2 जीरो और यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15%
देखो डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा 215% डिवेंचर, ये 15% डिवेंचर है, में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 1,50,000 डिबेंचर टू पब्लिक, ठीक है। अच्छा अब 1/6 में हमें और एक चीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अंडर राइटर रखा है तो हम लोग का फुल सब्सक्राइब हो जाएगा, हम लोगों ने 1,50,000 का ही दिखा है, बाकी 50,000 कौन सब्सक्राइब करेगा, ये अंडर राइटर सब्सक्राइब करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा। एक्चुअली अंडर राइटर से हम लोग डायरेक्टली पैसा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उनको भी तो हमें पेमेंट करना है, तो उनके साथ हमारा एक सेटलमेंट होगा, जैसे अंडर राइटर को कंपनी कमीशन पे करेगी, अंडर राइटर वैसे ही कंपनी को 50,000 डिवेंचर का पैसा देगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम लोग डेटर की तरह ट्रीट करेंगे, जब इनसे पैसा मिलेगा, और जब इनको देना पड़ेगा इनको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अभी इनसे पैसा मिलेगा, तो एंट्री होगा अंडर राइटर, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 100, क्योंकि 50,000 ही बच रहा है, 2 लाख में 1,50,000 पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। टू 15% डिवेंचर, बी एलोटमेंट ऑफ 50,000 डिवेंचर टू अंडर राइटर एट द रेट ऑफ 100। अच्छा ये हो गया हम लोग का यहां तक का काम कंप्लीट। अच्छा उसके बाद यहां पर बोला है, अच्छा हाँ कमीशन का भी एंट्री कर लेते हैं साथ साथ, कि अंडर राइटर को कितना कमीशन देना पड़ेगा, और उनके साथ नेट जो सेटलमेंट अमाउंट है वो भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो कमीशन कंपनी की तरफ से अंडर राइटर को जाएगा वो खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, अच्छा कितना देना पड़ेगा, 2 लाख शेयर्स का इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, वो तो बात अलग है कि पब्लिक ने 1,50,000 जो है सब्सक्राइब कर लिया, वो उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये लोग स्टार्टिंग में जब डील करते हैं तो जितना डिवेंचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सभी पे इनको कमीशन मिलेगा। कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू इशू प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन, अब रेट ऑफ कमीशन बता दिया है 2%, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, ये तो 100-100 कैंसिल आउट, मतलब 4 लाख हो जा रहा है, हाँ 4 लाख, बी कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेट कर लेंगे कि अंडर राइटर से मिलेगा कुछ इतना 50 लाख लगभग, ठीक है, और उनको देना पड़ेगा 4 लाख, तो कंपनी को ही उनसे मिलेगा कितना 46 लाख, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 50 लाख माइनस 4 लाख, तो ये हो जाएगा 46। बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम अंडरराइटर, अंडरराइटर से ये पैसा मिलेगा, सेटलमेंट करने के बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा लेकिन उसके पहले एक चीज हमें और भी करना है, हम लोग को देखना है डीआरआर या फिर डीआरआई, कुछ हमें
क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये भी हम लोग का सेम डेट पे ही होगा, ये सब हम सेम डेट पे ही कर रहे हैं एंट्री, क्योंकि ये सब का हमें कोई अलग डेट नहीं बोला है। तो DRR और DRI क्रिएट होगा कि नहीं देखते, ये एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी का क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर देखो मैंने लिखवाया था। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो ये देखो DRR तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ अनलिस्टेड अदर्स का बनता है, DRI बनेगा लिस्टेड कंपनी का 15%। ठीक है, तो यहाँ पर 1/6/2001 में DRI का मतलब इन्वेस्टमेंट परचेस करना, तो लिखेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट का नाम है। टू बैंक, अच्छा कितना खरीदना पड़ता है, 15% खरीदना पड़ेगा जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका। तो 2 लाख डिवेंचर इशू किया गया है, ठीक है, 100 रुपीज वाला, इसका हम लोग 15% जो है इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 60% जो है कन्वर्जन है, तो जो कन्वर्जन होगा उसके लिए कभी भी DRI या DRR कुछ भी नहीं बनता है। वैसे यहाँ पर तो कंडीशन के हिसाब से DRR नहीं बन रहा है, बात अलग है, लेकिन अगर हम लोग कन्वर्जन ही करेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्यों खरीदे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसीलिए खरीदते फ्यूचर में डिवेंचर होल्डर को पैसा पेमेंट करेंगे। तो जब हम लोग कन्वर्जन का बात कर रहे हैं तो जितना पार्टली पेड कन्वर्जन जितना हो जाएगा उतने का हमें इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर 60% कन्वर्जन से काम हो जाता है रिडेम्पशन का, तो सिर्फ 40% का ही हमें इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा, ठीक है, पार्टली कन्वर्जन हो रहा है इसलिए पार्टली जो है इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेस करेंगे। तो कितना हो रहा है, 2 लाख इंटू 100 इंटू 15% इंटू 40%, 12 लाख। इसको लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड फॉर रिडेम्पशन, हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 30th September इंटरेस्ट पे हुआ का 15% पर एनम करके, तो 30th September का एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट पे करने से एंट्री होता है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अच्छा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 लाख जो है डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, सभी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, 15% करके इंटरेस्ट रेट है। अब हम लोग काउंट करेंगे कि इंटरेस्ट कितने दिन का होगा, तो यहाँ पर बोला था देखो पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट से पे होगा, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट कौन सा है, डेट ऑफ अलॉटमेंट ये वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये जून हो गया, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, मतलब 4 मंथ्स का, ठीक है, 4 मंथ्स का हमें फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4/12। ठीक है, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका एंट्री लिखेंगे बीइंग सॉरी नैरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर paid on debentures for 4 months at the rate of 15% per annum on two lakh debenture, okay, अच्छा अब ये हम लोग का 30th September तक का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ रहा है कन्वर्जन का डेट, अब कन्वर्जन का एंट्री होगा 1/11/2001 को, 1
11 2001 का कन्वर्जन का एंट्री होगा. कन्वर्जन होने से डिवेंचर कैंसिल होगा, तो 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर दिया जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम वाला शेयर दिया जाएगा. ये देखो 60 रुपीज 10, यहाँ पर देखा था हम लोगों ने, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग कन्वर्जन ऑफ कितना परसेंट कन्वर्जन होगा, 60% डिवेंचर इनटू शेयर ऑफ ₹60 इच, फेस वैल्यू ₹10. ठीक है, अब कितना सारा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का जब एंट्री होगा तो ₹10 इंटू नंबर ऑफ जो भी डिवेंचर होगा यहाँ पर हो जाएगा ₹50. क्यों? क्योंकि टोटल तो 60 रुपीज का है ना, ₹50 इंटू जितने नंबर ऑफ जो है डिवेंचर होंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू जितने नंबर ऑफ डिवेंचर होंगे. अच्छा, अब इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा जगह रख देते हैं, एक दो एंट्री और भी होगा, यहाँ पर करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कि कितने सारे डिवेंचर कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जन 60% ऑफ 2 लाख, तो 1,20,000 जितना भी डिवेंचर होगा उसका 60% कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब कितने शेयर इशू होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन वैल्यू ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 1,20,000 शेयर डिवेंचर को हमें जो है पे करना है. अब डिवेंचर का रिडेम्पशन जब होगा कितना करके पे करने का बात हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर बोल रहा है इशू 100, अब देखते हैं कन्वर्टेबल पोर्शन डिवेंचर डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी फ्रॉम दिस डेट, डेट ऑफ क्लोजर, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ये बता रहा है, इंटरेस्ट पेबल. अच्छा, कन्वर्जन डिबेंचर का कन्वर्जन कैसे होगा ये हमें नहीं बोला है, मतलब पार में होगा कि प्रीमियम में होगा नहीं बोला है ना. यहाँ पर 2 लाख फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस बताया, कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर डेट ऑफ कन्वर्जन नहीं बोला है, तो हम लोग पार में ही मानेंगे. ठीक है, मतलब इंटू 100, मतलब एक एक डिबेंचर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, 100 करके ही देना पड़ेगा. तो ये हो गया 12 और 6 × 0. ठीक है, इतना पैसा देना पड़ेगा कन्वर्जन पे, लेकिन इसके बदले हम लोग दे रहे हैं शेयर. तो शेयर कितना सारा देना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू, इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले हम लोग किसी को अगर ₹60 देना है तो एक शेयर दे सकते, तो ₹60 के बदले एक शेयर, तो 12 इतना जितना भी आ रहा है 1,20,00,000, इसके बदले कितने सारे शेयर्स देने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय 60, मतलब वैल्यू ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ द शेयर. ठीक है, इशू प्राइस यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस. तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 0,0 कैंसिल आउट, 2 लाख. ठीक है, तो 2 लाख जो है शेयर्स इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पर 2 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 2 × 6 12, मतलब 1,20,00,000. अच्छा, इसके बाद ये हो जा रहा है हम लोगों का 20 लाख, और ये हो जा रहा है 2 लाख इन 2 × 5 10, और
इतने सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब 1 करोड़, ठीक है 1 करोड़। तो ये हो जाएगा इशू का कंडीशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन हो गया, इसके बाद 31 मार्च को हम लोगों को इंटरेस्ट फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 31 मार्च 2002 को इंटरेस्ट देंगे, तो फिर से वही एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 15% पर एन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे करके इंटरेस्ट देंगे उस पर कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। यहां तक तो हम लोग के पास जितना डिवेंचर था 2 लाख, 2 लाख का पूरा 2 लाख पे ही हम लोग का इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां से देखें, इसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा ये तो 6 मंथ्स का होगा, ठीक है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ बीच में हो चुका है कन्वर्जन, ठीक है 60% का कन्वर्जन हो चुका है। तो जिन्होंने कन्वर्जन करवा लिया है उतने का इंटरेस्ट नहीं होगा, बाकी का होगा, लेकिन उनका इस पीरियड का जो है इंटरेस्ट होगा। बात समझो, कन्वर्जन यहाँ पर हुआ तो यहां से लेके यहां तक जितना भी टाइम हो रहा है कितना, सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर का एक है तो अक्टूबर 1 मंथ, ठीक है। मतलब जिनका कन्वर्जन हो गया उनको 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से यहाँ, और जिनका नहीं हुआ उनका पूरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते, एक वर्किंग नोट बना के कर लेते, तभी जाके हम लोग आंसर लिख पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट। अच्छा, पहले 2 लाख डिवेंचर था कन्वर्जन के पहले, उनको 1500 रुपीज पे कितना करके मिलेगा, 15% करके मिलेगा, और 1 मंथ के लिए मिलेगा 1/12, ठीक है 1/12। लेकिन ये जो 1/12 मिलेगा ये हम लोगों को कितने परसेंट का मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ तो हम लोग का 2 लाख ही था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर यहाँ कन्वर्जन हो गया, तो कन्वर्जन को माइनस करके भी कर सकते या फिर और एक तरीके से भी कर सकते 60% 40%। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मंथ तो पूरे 2 लाख के ऊपर ही मिलेगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है और एक तरीके से भी होगा, हम दिखा देते हैं। पहले ये निकाल लेते, 2 लाख इंटू 100 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12, मतलब 2,50,000, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ बाद बाकी जो है जितना है उसमें हम लोग को मिलेगा, इसके बाद कन्वर्जन हो गया, तो कन्वर्जन होने पे रेट उतना ही रहेगा। यहाँ पर ये देखो, एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको 1 मंथ 2 लाख दिखा दिया, तो बाकी जो 5 मंथ है, 5 मंथ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो हम लोग को कितने का मिलेगा, वो हम लोग को हो जाएगा 5 मंथ वाला कितना हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये देखो यहाँ तक हम लोग के पास 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर ही है। अब 2 लाख का ये पूरा 1 मंथ का, यहाँ से यहाँ तक 1 मंथ का जो है प्रॉपर मिलेगा जैसे मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब कन्वर्जन हो गया 60%, मतलब 1,20,000, तो बचे हुए लोगों को बाकी 5 मंथ का मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखते हैं ऐसे करने से कितना आता है। कन्वर्जन हो गया, ये रहा 1,20,000, तो यहां पर माइनस करते हैं 2 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 100 इंटू 15% इंटू 5/12, तो ये हो गया 7,00,000
50,000, एक ये तरीका हो सकता है कैलकुलेट करने का, और एक भी ऑप्शन है, और एक तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखो, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सीधा 2 लाख पे करेंगे इनटू 2 लाख पे करेंगे 100 रुपीज करके 15%, ये सब तो होगा ही, और यहाँ पर कर देते हैं 40% इंटू 6/12। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो बात समझो, मैंने क्या किया, 40%, 40% का मतलब है जितना कन्वर्ट नहीं हुआ उनको तो पूरे 6 मंथ्स का मिलेगा। देखो जिन्होंने कन्वर्जन ऑप्शन नहीं लिया उनको तो पूरे 6 मंथ्स का मिलेगा, तो 2 लाख का 40% जितना भी है उनको पूरे 6 मंथ्स का मिलेगा। तो ऐसे पहले निकाल लेते हैं, तो देखते हैं कितना निकल के आता है, दोनों केसेस में आंसर एक ही आएगा, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 लाख प्लस 100, सॉरी इंटू 100 इंटू 15% इंटू 40 इंटू 6/12, अच्छा ये हो गया 6 लाख। अच्छा, और जिन्होंने कन्वर्जन करवा लिया 2 लाख में जो है 100 रुपीज करके 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें 60% जिन्होंने कन्वर्जन करवाया, कन्वर्जन के बाद उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो अप टू कन्वर्जन तक मिलेगा 1 मंथ का, तो 1/12। अब देखते हैं कितना आ रहा है, वन लैख 50,000, वही 7.5 लाख ही आएगा, चाहे जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो ये दो कंसेप्ट से मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एक तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, देखो जो कन्वर्जन के पहले तक, कन्वर्जन के पहले तक का जो है वो 1 मंथ का इंटरेस्ट होगा, और कन्वर्जन के बाद जो है, देखो जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं लिया उनको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, वो 40% है, और जिन्होंने कन्वर्ट करवा लिया 60% उनको सिर्फ 1 मंथ का ही मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिलने के 1 मंथ के बाद कन्वर्जन हुआ है, तो 1 मंथ तक का इनका मिलेगा, ये एक कंसेप्ट हो गया। या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लाख डिवेंचर होल्डर थे 1 मंथ, 30 सितंबर में इंटरेस्ट देने के बाद 1 मंथ तक हम लोगों का डिवेंचर होल्डिंग था 2 लाख का, तो उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद जो है कन्वर्ट हो गए 1,20,000 शेयर में, तो डिवेंचर होल्डर बचे, इससे इसको माइनस कर दो जितना उनको बाकी बचे हुए 5 महीने का मिलेगा, दोनों केसेस में 7.5 लाख ही आएंगे, जैसा करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7,50,000, और लास्ट एक एंट्री कर सकते हैं हम लोग पीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू अंडरराइटर कमीशन। बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू पीएल, देखते हैं कितना हो रहा है, इंटरेस्ट तो हो रहा है हम लोग का यहाँ पर, एक तो 7,50,000 और एक बार इंटरेस्ट हम लोगों ने दिया ये रहा 10 लाख, मतलब 17,50,000। और कमीशन फोर लाख, ट्वेंटी 1,50,000, ठीक है, इस तरीके से एंट्री होना चाहिए। तो हम लोग का एंट्री बन गया, और तो कुछ बोला नहीं था इसमें, एंट्री बोला था। अच्छा, अब ये इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, कंप्लीट हो गया, देखो ये पूरा ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन बस बाकी है, कन्वर्जन पे ही है ये वाला, इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है, देखो द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC, तो देखते हैं इसका DRR और DRI बनेगा कि नहीं बनेगा। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन कंपनी ऑफ NBFC HFC, तो चेक करते हैं, ये देखो अनलिस्टेड कंपनी
अदर देन बैंक एआई एफआई, इनका डीआरआर भी बनता है और डीआरआई भी बनता है, दोनों बनेगा ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, अगर बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल, यहाँ पर बैलेंस शीट बना हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नोट्स बना हुआ है, देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर करेंट लाइबिलिटी, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करेंट एसेट। अच्छा, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएल, और ये रहा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया हुआ है। तो डीआरआर सफिशियंट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। डीआरआर बनाना पड़ता है 10% जितना डिवेंचर है उसका। तो डिवेंचर है इतना, इसका 10% लगाओ, 10/100, देखते हैं कितना होगा। 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 और 1, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ बना हुआ है, एडिक्वेट अमाउंट बना हुआ है, हमें और नहीं बनाना पड़ेगा ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अदर लोन्स बता दिया है, अदर लोन 65 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिख दिया, एक्चुअली ये डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ठीक है। 15 लाख है तो 15% बनता है, तो इस पे चेक करते हैं, 15% होना चाहिए इसका, तो 15% हो रहा है कि नहीं। 15/100, तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और 1 2 3 4 5, 5 0, मतलब 15 लाख होना चाहिए। देखते हैं इन्वेस्टमेंट 15 लाख का है कि नहीं, हाँ 15 लाख का है। करने क्या बोला है, द डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2001, द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वेर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 105 पे करना पड़ेगा। क्यों 105, क्योंकि 100 करके वैल्यू था, पर वैल्यू देख सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट, कन्वर्जन का भी है, 20% ऑफ होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15.75 पर शेयर्स एंड पेमेंट इन कैश। बोल रहा है कि पहले से ही बता दिया है कि शेयर का प्राइस 15.75 रखेंगे, और अगर कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है तो उसके लिए कैश दे देंगे। एज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। बोल रहा है कि 100 डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स, बोल रहा है कि 100 लोग जो कि 25,000 कुल मिला के डिवेंचर होल्ड कर रखे थे, अब किसने कितना किया था वो तो नहीं बताया, 100 लोगों के पास टोटल इतना डिवेंचर है, उन्होंने क्या किया है, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, उन्होंने कन्वर्जन जो है नहीं लिया। देखो एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स, इनके अलावा द रेस्ट ऑफ देम, बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार ऑन सेल, मतलब इन्वेस्टमेंट तो बेचना पड़ेगा ना ये वाला ठीक है, ये रिजर्व गलत लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने बेच दिया है पर वैल्यू पे, मतलब इतना ही रियलाइज होगा, और ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 अप्रैल 2001, सारे ट्रांजेक्शन कोई भी लैग के बिना ही, मतलब कोई भी गैप वगैरह या फिर कुछ भी मतलब टाइम जो है नहीं रखा गया, मतलब कुछ भी टाइम ऐसा नहीं कि कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद, बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल को किया गया जो भी किया गया। रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट, हमें करना क्या है, बैलेंस शीट को फिर से बना के देना है 1 अप्रैल 2001 आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का इफेक्ट देने के बाद, सो योर कैलकुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एलोटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने सारे इक्विटी शेयर हमें अलॉट करने पड़ेंगे और कितना कैश देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 6, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, अलॉटमेंट शेयर्स का उन्हीं को मिलेगा जो कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। तो पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, वन लैख, नंबर ऑफ डिवेंचर फॉर विच कन्वर्जन ऑप्शन इज नॉट ऑप्ट
ऐसे कितने डिवेंचर होल्डर है, मतलब कितने डिवेंचर का कन्वर्जन नहीं होगा? 25,000 डिवेंचर का कन्वर्जन नहीं होगा, बाकी का होगा, यानी 75,000 का। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स रेडी टू कन्वर्ट, इतने कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम कन्वर्जन कितना हो सकता है? मैक्सिमम कन्वर्जन 20%, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कन्वर्जन 75,000 का पूरा नहीं होगा, पार्टली कन्वर्जन है 20%। फिफ्टीन थाउजेंड डिवेंचर्स का कन्वर्जन होगा। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन होगा इसका वैल्यू कितना है, मतलब अगर हम लोग पे करते तो कितना देना पड़ता है। 15,000 नंबर ऑफ डिवेंचर को हमें देना पड़ता 105 रुपीज करके, प्रीमियम के साथ, है ना। 15,75,000 इतने पैसे देने पड़ते। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड, कितने सारे इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, इतने पैसे के बदले शेयर देने पड़ेंगे, तो पता तो करना पड़ेगा एक शेयर का वैल्यू कितना है। तो एक शेयर का वैल्यू है 15.75, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख शायद, देख लेते हैं। हाँ, 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर जो है इशू करना पड़ेगा, हो गया। अब नेक्स्ट हमें और एक कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड। टोटल डिबेंचर 1 लाख, उनको कैश देंगे जिन्होंने कन्वर्जन नहीं करवाया, तो जिन्होंने कन्वर्जन करवाया वो हटा देते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन, उनको तो और कैश नहीं देना पड़ेगा। तो कन्वर्जन करवाया है कितना, 15,000, तो यहाँ पर 85,000 हो गया। 85,000 डिवेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट टू बी पेड 85,000 इंटू 105 करके पे करना पड़ेगा, तो यही बात हुआ था। 85,000 और 105 यानी प्रीमियम के साथ, तो 89,25,000 ये पेमेंट करना पड़ेगा, हो गया। ये दो हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला था, ये दो पॉइंट, ये लास्ट का, शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैलकुलेशन फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। और रीड्राफ्ट करने बोला है बैलेंस शीट, तो हम लोग एक बार बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हुआ इसके बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगा तो बस देख देख के ही करना है, और जो भी चेंजेस है उसे पुट करना, तो यहाँ से देख के ही करते हैं। कंपनी का नाम है कन्वर्टेबल लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2001, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहला पर्टिकुलर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग देख देख के ही कर सकते हैं। फिर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, इसमें नोट जरूर बनेगा
और रिजर्व सरप्लस इसमें भी नोट बनेगा। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से देख के, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस भी नहीं है तो ये डायरेक्ट पुट हो जाएगा, और वर्किंग नोट इन्होंने नहीं बनाया तो हम लोग भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। 1,25,00,000 यहाँ पर लिख दो। इसके बाद एसेट, ये टोटल का कॉलम यहाँ पर एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1,60,00,000। इसके बाद ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में एक ही था डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट, जो सेल हो जाएगा जब हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे तो ये हट जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। और रहा करेंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अदर करेंट एसेट ये लिखेंगे, करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें चेंजेस होगा, पेमेंट वगैरह हुआ है इसी वजह से, और अदर करेंट एसेट, क्या इसमें कोई वर्किंग नोट बना हुआ है? नहीं बना हुआ, ये है 2,00,000। यहाँ पर टोटल हो जाएगा, ठीक है। अभी पुट करेंगे, पहले हम लोग बना लेते वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, सबसे पहला नोट, नोट भी हम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ये वाला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहाँ पर बोला है 5,00,000 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, 5,00,000 शेयर्स था, लेकिन कंपनी ने इक्विटी शेयर भी इशू किया है कन्वर्जन के लिए, ये रहा 1,00,000, तो 6,00,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, फाइव लैख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एंड 1,00,000 इशू फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर, फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 इंच, ठीक है। तो 6,00,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60,00,000, ओके, 60,00,000।
ये वाला हम लोग का हो गया। फिर सेकेंड हम लोग बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर टू। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें देखते हैं रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले है जनरल रिजर्व 90 लाख, अच्छा इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख, अच्छा ये जो DRR है इसका रूल्स अगर याद करोगे थोड़ा सा, तो DRR जितना भी होता है वो पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है रिडेम्पशन होने के बाद। अगर पार्टली होता है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर होता है, अगर पूरा रिडेम्पशन होता है तो पूरा ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ तो पूरा ही रिडेम्पशन है, तो ये पूरा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जनरल रिजर्व बोल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा DRR मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब हेडिंग जनरल रिजर्व बोल के हो जाएगा 10 लाख का, ठीक है। और रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा, और हम लोग का रिजर्व सरप्लस में आएगा क्या आएगा, हम लोग जो प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं, ये देखो हम लोग जब भी रिडेम्पशन कर रहे हैं तो ये देखो अमाउंट पे कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके लिए, और यहाँ पर जब शेयर इशू कर रहे हैं वो भी प्रीमियम वाला ही है। ये देखो यहाँ पर जो शेयर इशू हुआ है वो भी प्रीमियम वाला है, मतलब प्रीमियम आया भी है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और प्रीमियम का पैसा हमें पे भी करना पड़ेगा, तो माइनस भी होगा प्रीमियम प्लस भी होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ये सब तो प्लस हो गया, ठीक है अब यहाँ पर ऐड करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू, कितना शेयर इशू हुआ 1 लाख, ठीक है। और प्रीमियम कितना हो जाएगा 15.75 में 10 रुपीज हटा देते हैं क्योंकि वो नॉमिनल वैल्यू होता है 5.75, इतना प्रीमियम का पैसा मिलेगा, मतलब 5,75,000, और रिडेम्पशन हो रहा है उसका प्रीमियम का पैसा पे हो जाएगा, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है तो हम लोगों का इतना अमाउंट लेस हो जाएगा, कितना रिडीम हुआ है 1 लाख इनटू कितना हो जाएगा 5 रुपीज करके। अब चेक करते हैं ओवरऑल कितना आता है, तो ये हो गया 90 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख, फिर से 10 लाख, अच्छा ये और ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब 75,000 बच रहा है, 75 मतलब 20 लाख 75,000 प्लस 90 लाख, मतलब 1,10,75,000 रिजर्व सरप्लस में होगा 1,10,75,000, अच्छा इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर थ्री लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में है कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, एक अदर लोन है तो अदर लोन रह जाएगा, अदर लोन 65 लाख बस, तो 65 लाख, अब देखते हैं टोटल करके इधर कितना आ जाता है, तो ये तो लिखा हुआ ही है 60 लाख और 65 लाख, तो प्लस 60 लाख प्लस 65 लाख प्लस 1,25,00,000 3,60,75,000 इधर भी इतना आ जाना चाहिए, तो हो जाएगा बस,
यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस नोट नंबर 4। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस पे देखते हैं कैश इनका पहले से कितना था। कैश था 75 लाख ओपनिंग बैलेंस, 75 लाख। अच्छा, जब शेयर इशू किया, सबसे पहले डिबेंचर रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो सेल ऑफ DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, और पर वैल्यू पे सेल हुआ है ऐसा क्वेश्चन में बताया था, इसलिए प्रॉफिट लॉस भी कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो वो पीएल में भी इम्पैक्ट डालता एज वेल एज कैश में भी इम्पैक्ट डालता, ठीक है। तो ये देखो 15 लाख का 15 लाख हमें मिल जाएगा, और डिबेंचर होल्डर को जो पे किया है, पेड टू डिवेंचर होल्डर, और इक्विटी शेयर इशू करके तो पैसा नहीं आया कि उसका हम लोग एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर इशू करके तो हमारा डिवेंचर कैंसिलेशन हुआ है। अच्छा, अब ये पेमेंट कितना करना है ये हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से देख के लिखेंगे 89,25,000। माइनस 89,25,000, अच्छा बहुत ही कम बच रहा है, 75,000 इतना बच रहा है, लिख लेते हैं। प्लस 160 प्लस 3,60,75,000, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो जितने सारे मेथड से सारे ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब बस यहाँ पर कुछ 4 एमसीक्यूज है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तुम लोग बताओ। ए डिवेंचर होल्डर इज ओनर ऑफ द कंपनी, ए डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ए डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, कौन सा ट्रू है ये पूछ रहा है, बोलो, बोल सकते हो कौन सा ट्रू है। ट्रू कौन सा है, बोलो, कोई भी बोलो, ट्रू कौन सा है इसमें से बताओगे। सी सी करेक्ट, सी ट्रू है, ठीक है। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू किया डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम किया जा सकता है, पर डिवेंचर होल्डर कभी कंपनी का थोड़ी ना ओनर होता है, वो तो आउटसाइडर होता है, और डिवेंचर होल्डर हमेशा पैसा उनको लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद होने पर मिलेगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब बोल रहा है कौन सा गलत है। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन लमसम एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, कौन सा फॉल्स है पूछ रहा है। बी सही, बी फॉल्स है, क्योंकि डिबेंचर कभी भी रिडीम नहीं कर सकते हैं लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ऐसा नहीं होता है, तो इररिडीमेबल हो गया ना, इररिडीमेबल नहीं होता है डिबेंचर, मतलब इशू करना परमिसेबल है ही नहीं, और बाकी सब तो सही है। लमसम में भी पेमेंट कर सकते हैं स्पेसिफाइड पीरियड में कि 5 साल बाद पूरा पेमेंट कर देंगे ऐसा, और एनुअल इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाला देखो, फॉर डिवेंचर इशूड बाई अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, लेकिन कैसा अनलिस्टेड कंपनी, अदर देन AIFI, बैंकिंग, NBFC एंड HFC, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विल बी कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ इट इज, देखो यहाँ पर हमें एक्चुअली परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट एडिक्वेट होता है, 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू, मतलब एक्चुअली हमें DRI का परसेंटेज पूछा है, कितना होगा, सॉरी DRR का,
कौन सा सही आंसर है? DRR कितना होता है? DRI 15%, DRR 10%, मतलब ऑप्शन बी होगा सही बात, ठीक है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर द अकाउंट क्रेडिट विल बी, जब हम लोग अपना डिवेंचर खुद ही कैंसिल करते हैं ओपन मार्केट से परचेस करने के बाद, ये तो ओपन मार्केट वाला कंडीशन आ गया ना, तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ये पूछ रहा है। डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट। जब हम लोग कैंसिल करते हैं ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर जब लेते हैं वो हमारा एसेट होता है, जब कैंसिल करते हैं तो एसेट जा रहा है, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, मतलब क्रेडिट क्या होगा? बोलो क्रेडिट क्या होगा, सोच के देखो। अगर हम लोग अपना ओन डिवेंचर जो खरीदे हैं उसे कैंसिल कर रहे हैं, बताओ, जब खरीदते हैं तो एंट्री होता है ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एसेट ले लिया, अगर इंटरेस्ट देके लिया है तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, ये हो गया। अब जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो, कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, लोन चला जाता है, और लोन कैंसिल होता है और एसेट चला जाता है ना। अब लोन का नाम है डिवेंचर और एसेट का नाम है ये वाला, तो वही पूछ रहा है, बोलो क्रेडिट किसको करते हैं, मैंने बता ही दिया और हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है, बोलो कौन सा होगा क्रेडिट। ओन डिवेंचर, हाँ, ओन डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ये थोड़ी ना क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होने का मतलब तो लोन बन गया ना, डिवेंचर क्रेडिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट का मतलब हम लोग पेमेंट करें, बट ये तो ओपन मार्केट से लेने के बाद कैंसिलेशन, तो पेमेंट करते हैं जब परचेस के टाइम पे बैंक क्रेडिट होता है, बट कैंसिलेशन के टाइम पे ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिटेल्स में ही देखा था जब हम लोग एंट्री सीख रहे थे, ये देखो यहाँ पर होगा। यहाँ पर शायद मैंने एंट्री लिखा है, हाँ ये देखो, ये देखो मैंने एंट्री सिखाया था ना तब। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन। एक कंपनी हैज इशूड 6% डिवेंचर फॉर 10 लाख रुपीज, इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, द कंपनी परचेस 10,000 रुपीज, रुपीज दिया हुआ डिवेंचर एट 96x इंटरेस्ट ऑन 1 अगस्त 2001, द डिवेंचर वेयर कैंसिल्ड ऑन सेम डेट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन। मतलब ओन डिवेंचर वाला बात है कि कंपनी ने अपना डिवेंचर खुद ही मार्केट से खरीदा है, पूछ रहा है कि जब कैंसिल कर दिया, इमीडिएट कैंसिलेशन होता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना हुआ, अगर बताना चाहो तो एक बार बताओ। जैसे ये देखो, इशू हुआ था 6% डिवेंचर 10 लाख, इंटरेस्ट पे किया जाता था 31 मार्च को और 30 सितंबर को, ये रहा 30 सितंबर 31 मार्च, ये दो इंटरेस्ट का डेट हो गया। कंपनी ने परचेस किया 10,000 रुपीज का डिवेंचर 1 अगस्त को, तो यहाँ पर 1 अगस्त को 10,000 रुपीज का डिवेंचर परचेस किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 96x इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, दिस डिबेंचर वेयर कैंसिल्ड ऑन द सेम डेट, और कैंसिल भी कर दिया। अब बोल रहा है अमाउंट प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, तो ये देखो जब डिबेंचर खरीदा तो एंट्री क्या होगा, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा है, टोटल 10,000 का खरीदा है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट देके अगर खरीदा है टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। अब देखते हैं कि 10,000 रुपीज का डिवेंचर परचेज हुआ है, तो एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है, कुछ नहीं बोलेगा तो 100 करके, मतलब 100 डिवेंचर परचेज हुआ है, 100 डिवेंचर 96 करके, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट, तो इसका मतलब 9600, 9,600 रुपीज का इन्होंने जो है पेमेंट करके परचेज किया है, ठीक है, 9,600 रुपीज का, और इंटरेस्ट का पैसा दिया होगा, तो इंटरेस्ट का कितना दिया होगा, ये इन्होंने लास्ट इंटरेस्ट कब लिया होगा, लास्ट इंटरेस्ट जो है यहाँ पर 31 मार्च को ही हुआ होगा, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐसे हो जाएगा, 100 × 100 × 5/12 × 6%, देखते हैं कितना आता है इंटरेस्ट का अमाउंट, 100 × 100 × 5/12 × 6%, 250, ठीक है, तो 250 रुपीज का इंटरेस्ट दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, और पेमेंट कितना किया है, पेमेंट किया है यहाँ पर, ये क्या गड़बड़ हो गया, 96x इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट का, तो परचेस प्राइस आ रहा है, हाँ परचेस प्राइस तो यहाँ पर लिखेंगे ना, परचेस प्राइस आ रहा है 9,000
600, तो टोटल कितना हो जाएगा 9600 डिवेंचर के लिए और इंटरेस्ट के लिए इतना, मतलब 9850 इतना टोटल पेमेंट करना पड़ा और इन्होंने डिवेंचर मार्केट से खरीद लिया। अब जब कैंसिलेशन होगा तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 का डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा टू ओन डिवेंचर कितना 9600 डेबिट हुआ था, उसके बदले इतने से क्रेडिट। अब प्रॉफिट या लॉस हम लोग चेक करेंगे कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2PL करके 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है जब हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं। एंट्री ऐसा होगा जब हम लोगों ने डिवेंचर खरीदा, देखो बता ही दिया था एट द रेट ऑफ 96 करके खरीद रहे हैं, डिवेंचर कितने का होता है 100, जब कुछ नहीं बोलेगा तो पता ही चल रहा है कि 4 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पर। ये गैप देखने से ही पता चल जाएगा। कंप्लीटली क्वेश्चन को देखें तो डिवेंचर जब खरीदा गया तो 9600 रुपीस का एसेट खरीदा गया, इंटरेस्ट दिया गया 250, इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो टोटल इतना पेमेंट हुआ। अब जब कैंसिल हो रहा है तो 10,000 लोन का सेटलमेंट 9600 के थ्रू से हो रहा है, इसका मतलब 400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपीज, तो ये ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये डायरेक्टली भी हम लोग देख सकते हैं, 100 रुपीज का डिवेंचर 96, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट बता दिया है ना, अगर इसमें कम इंटरेस्ट होता तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाते, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपीज का। बस यहाँ तक ही था, और कुछ नहीं हम लोग का। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है इसमें और कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जितने भी 4 मेथड्स थे सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।